27 डेज का, बहुत अच्छा बात है। यहाँ से जो रैली है, ये रैली जितना है, इतना रैली देने के काबिल ये रेंज है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। अगर ये रैली इस रेंज के काबिल है तो ये ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ये रैली इस रेंज के काबिल नहीं है तो ये थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगा। अब आप खुद से पूछिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो रैली है, ये रैली क्या इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद काबिल है कि यहाँ से अगर ब्रेक करे तो यहाँ तक ये टारगेट दे दे। जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि अगर रेंज बहुत बड़ा है तो टारगेट काफी बड़ा है, रेंज छोटा है तो टारगेट भी छोटा है, ये चलता है ना। उसके हिसाब से इसको अगर आप लोग देखते हैं तो क्या लगता है कि ये ऊपर तक पहुंचाएगा या फिर रेंज छोटा है, क्या लग रहा है? घूम जाएगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग वगैरह दे दे तब क्या होगा? तब तक कंफर्म तो ऐसे भी नहीं है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक तुम लोगों को लेना नहीं है। कौन सा भी इस लेवल पे लेना, अगर इसके ऊपर चला गया तब कब पूछते हैं, तब कितने लोग इसमें जाना पसंद करेंगे, कितने लोग अवॉइड करना पसंद? सर छोटा रेंज दे सकते हैं, छोटा रेंज जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा।